हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल ट्रेनर एक्स और पोकेमोन द लास्ट फायर रेड के एपिसोड नंबर 1 में। वेल भाई, इतने टाइम के बाद मैं फाइनली पोकेमोन द लास्ट फायर रेड का भाई गेम प्ले ला ही रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि इसके डेली एपिसोड्स आए। और बाकी अपने गेम पर देखे तो भाई ये सब बकचोदी तो हर गेम के अंदर होती स्टार्टिंग में। फिलहाल इसका नाम मैं भाई रेड ही रखूँगा यार। मुझे शायद अपना नाम रखना चाहिए था लेकिन भाई मैं इसी का नाम रख रहा हूँ रेड। हर गेम के अंदर रेड ही रखता हूँ भाई, लाल लाल हर जगह लाल लाल हो रहा है। ओके तो भाई, एक तो बुड्ढे को उसका अपने पोते का नाम नहीं मालूम होता साले का, हमें रखना पड़ता है। बताओ हमारा बेटा है कि खैर, इसका नाम भी मैं ब्लू ही रखूँगा भाई, और क्या रखूँगा, और कोई नाम तो समझ में आ नहीं रहा भाई। तुम लोग कमेंट करके बता देना क्या नाम हम रखूँ। खैर कोई बात नहीं। ओके आई रिमेंबर नाउ, भाई तुमने पढ़ा हुआ आई रिमेंबर नाउ, बहुत अजीब है भाई। ओके भाई, तो मैंने सुना है भाई गेम बहुत हार्ड है, मतलब दो मोड है इसके अंदर, रैंडमाइजर मोड और एक हार्ड मोड। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ क्या क्या। ओके भाई, हमारा ट्रेनर कार ट्रेनर आईडी वो पूरी की पूरी अलग है। ओके ये क्या है, हार्ड मोड रैंडमाइजर। अच्छा तो यहाँ पर था वो ऑप्शंस, चैलेंज ऑप्शंस, हार्ड मोड रखूँ भाई। रैंडमाइजर में पता नहीं क्या खिचड़ी पक जाएगी। हार्ड मोड एकदम ठीक है। ओके दोबारा क्यों आ रहा है भाई, हो तो गया। ओके हार्ड मोड। ओके मॉम हनी यू आर फाइनली अवेक। हाँ मम्मी उठ गया मैं फाइनली, कम सिट डाउन। अच्छा मम्मी क्या बात करनी भाई, पहली बार मतलब इतने टाइम्स अब याद आई इनको हमारी। हैव यू फॉरगॉटन दैट योर एडवेंचर बिगिंस टुडे विद योर न्यू पार्टनर। अच्छा जी, हमें तो मालूम ही नहीं था। आई थॉट वन डे वुड लीव होम टू फॉलो योर ड्रीम। भाई रो रो उसकी बकचोदी भाई, सेम टू सेम कुछ नया बोलो मम्मी, हर गेम के अंदर सेम टू सेम बोलती है भाई। ओ राइट, पुट द शाइनी चार्म, शाइनी चार्म सेट टू इंक्रीज फाइंडिंग अ शाइनी पोकेमोन इन द वाइल्ड। अच्छा तो शाइनी चार्म से ये होता है, जब तुम वाइल्ड मतलब तुम जो कोई पोकेमोन ढूंढते हो ना तो उसमें तुम्हें चांसेस हैं कि तुम्हें शाइनी पोकेमोन मिल जाए, वो भी तब जब तुम्हारे पास वो शाइनी चार्म हो। तो हमें शाइनी पोकेमोन मिल सकता है, चलो थैंक गॉड मम्मी ने कुछ अच्छा तो दिया। और भाई साहब ये देख रहे हो बाहर का लुक, रात हो रही है और सबके घर में लाइटें जल रही है, और ये बहन की आँख कौन है भाई साहब, ये कौन है। अबे सरीना है तो भाई, हु आर यू। अबे भाई सरीना है तू, हाँ भाई मैं लालू हूँ, तू सरीना है, तूने मेरा नाम सुना भाई, तूने पोकेमोन बैटल नेट सर मेरा नाम सुना होगा। चैंपियन हो कैंटो का, आई गेस आई प्रॉमिस टू गिव यू अ सॉरी टू फॉरगेट यू। भाई सरीना मेरे को मालूम है बहन, क्या तू तो भाई हैश की बंदी है कैलोस रीजन, मुझे मालूम है तू कैलोस रीजन से कैंटो में क्या कर रही है भाई। अबे कहाँ चली गई भाई, हमें भी ले जाए कैलोस रीजन अपने साथ, इट्स अनसेफ। अच्छा भाई यार बुड्ढा बीच में आ गया, अच्छा खासा सरीना के पीछे जा रहा था यार मैं, बट यार सरीना भाई साहब इस गेम के अंदर भी तो मालूम ही नहीं था। ओके ऊपर रैटम डैक्स रोटम डैक्स रखी है, ये रोटम ही ना, रैटम रोटम में नाम भूल गया भाई उसका। भाई मेरी आज भी तबीयत खराब हो रही है भाई, सॉरी भाई चीज़ें वीडियो नहीं बनेगी तो उसके लिए माफ चाहता हूँ। खैर अभी ये वही पुराने वाली बकचोदी कर रहा है, और ये इसको देखो उसकी किल सी ब्लू की किल सी। ओके भाई एक मिनट, स्कॉर बनी इसमें स्टार्टअप पोकेमोन यही वाले अलोला के मतलब गेलार के, मुझे मालूम नहीं था लेकिन मैंने स्कॉर्बन ही रख लिया भाई, और मैं क्या रखता भाई स्कॉर्बन ही ले लिया मैंने। खैर और इसने ऑब्वियसली वो सोबल लिया होगा, सोबल ना मैंने उसका वाटर टाइप पोकेमोन का सोबल, हाँ सोबल ये साला मैं इसकी देखते रही कैसे वार्ड लगा दूँ बहन के। एक मिनट ये ऊपर क्या कह रहा था बॉक्स में, वो ये ऊपर ब्लू कलर का बॉक्स साइड है उसके सोबल के नाम के बराबर में। यार मेरे पास और कोई ढंग का अटैक भी तो नहीं यार, बस टैकलो ग्राउल अटैक है। ओके तो मुझे नहीं लगता भाई कि गेम जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्रिटिकल हिट चल जाए भाई। यार एकदम हार्ड हार्ड सा लग रहा है सब कुछ, डिफिकल्ट जैसी वाइब्स आ रही है भाई। मैंने हार्ड मोड सेलेक्ट करा था ना शायद इसी वजह से आ रही होगी, लेकिन शट फक यार हार गया, फक यार तेरी बहन के अक्साले पोकेमोन बैटल टफ ऑन इट। ओके पता नहीं क्या लिखा था। खैर गाइस हमारी वार्ड लग चुकी है, अभी हम जाएंगे एक मिनट घर पर चले जाता हूँ। एक मिनट भाई लॉक्ड डोर भाई दरवाजा, अच्छा अच्छा सॉरी यार सॉरी यार वो अपना घर ही भूल गया भाई, मैं वो सोच रहा भाई मेरा घर का दरवाजा लॉक कैसे हो गया, किसी और के घर में घुस रहा था भाई मैं, अभी चोर समझता हूँ मुझे। खैर कोई बात नहीं। एक मिनट स्कोर पता नहीं कौन क्या नाम है साले का। ओके ये भाई सब कुछ अलग अलग क्यों है, जिग जगून साला ये, इसको पता नहीं क्या हो गया भाई, बीमार लग रहा है तो मेरे को जिग जगून, ये गिलार का है ना जिग जगून। ओके तो भाई ओ बंदे भाई साहब, रिची रिची रिच ब्रो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, रियली इट्स ऑसम आल्सो ट्रेनर एंड माय नेम इज रिची। भाई मालूम है मेरे को मालूम है, इट्स रेड, हाँ भाई नाइस टू मीट यू, आई ऑल्सो स्टार्टेड माय एडवेंचर टुडे विद टुडे। भाई तेरे को एक अरसा हो चुका है अपना एडवेंचर स्टार्ट करे भाई ऐश के साथ, भूल गया तूने ऐश की ऐसी तैसी कर दी थी भाई अपने स्पार्की के साथ, वो तो ऐश का चार साठ चूतिया था ना तेरी वाट लगाते था वो। भाई गेम कैसा ही है
गाइस बहुत मुश्किल होने वाली गाइस हमें इस गेम के अंदर भाई कसम से भाई यार फक भाई स्कोर बनी गाइस मुझे भाई मैं ट्रेनिंग करने आ रहा हूँ भाई मैं इसने मेरी वार्ड लगा दी थी यार सच में भाई गजब भेज जाती यार शिट यार गाइज मैं ना अभी ट्रेनिंग के बाद आता हूँ ठीक है ना जब तक भाई एम्बर अटैक नहीं खुलेगा भाई तब तक तो ट्रेनिंग करता रहूंगा मैं भी A few moments later. वाले यार कुछ ज्यादा जल्दी मेरे एम्बर अटैक नहीं खुल गया यार ओके वो यार भाई सेम टू सेम भाई भाई कुछ नया बोलना भी बकचोदी कर रहा है सेम टू सेम तो बार बार आ रहा है एक ही चीज बोल रहा है भेज तो 6 लेवल का पिकाचू गाइज अकॉर्डिंग टू माई याददाश्त जहाँ तक मुझे याद है इसके पास 5 लेवल का पिकाचू था और ये साला 6 लेवल का कैसे हो गया खैर कोई बात नहीं हमारे स्कोर बनी ने शिट भाई मरियो मत प्लीज बच गया गाइस हमने फाइनली रिची की वार्ड लगा दी अच्छे से और इसके 8 लेवल भाई 2 लेवल अप हुए भाई सब गजब है यार ओके वे फाइनली यू आर रियली स्ट्रॉन्ग फॉर आवर भाई मालूम चल निकल बट रिमेंबर विक्ट्री विल बी माइन साले से तमाशा मारूंगा इन द नेक्स्ट बैटल अच्छा नहीं अगले बैटल की बात करें हाँ चल दफा हो जाए भाई ओके तो भाई गेम मुझे भाई थोड़ा टफ लग रहा है टफ क्या बोलूँ मतलब हार्ड है भाई तो मुझे अभी तक बस सिर्फ यही बात समझ में आई इस गेम के बारे में कि जब तक है ना जितने तुम्हारे लेवल होंगे ना जितने लेवल मतलब जितने हाईएस्ट लेवल तुम्हारे पोकेमॉन्स के होंगे ना उतने ही सामने वाले ट्रेनर के भी पोकेमॉन्स के लेवल होंगे सेम टू सेम बिल्कुल मालूम है तेरे बाप को मत सिखा ओ ये क्या होल्डर फर्स्ट सक्सेसफुल नॉर्मल टाइप अटैक विल हैव 1.3x पावर सिंगल यूज भाई ये है क्या है खैर एक मिनट यार मैं अपने किसी पोकेमॉन को होल्ड करके देखता हूँ एक मिनट मुझे ये समझ में आया कि ना ये होल्ड करने के बाद किसी पोकेमोन को उसके बाद कोई नॉर्मल टाइप मूव करूँगा ना तो उससे ज़्यादा पावर ज़्यादा एचपी जाएगी इसकी अभी मैं ट्राई करता हूँ उसका टैगल अटैक मार के नॉर्मल टाइप है नहीं है हाँ स्ट्रेंथ इन पावर ओके यार ज़्यादा तो नहीं गई मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने एक्सपेक्ट करा था कि ज़्यादा एचपी जाएगी खैर गाइस मुझे पता नहीं अच्छे से यूज़ कैसे करते हैं अगर तुम लोगों ने गेम खेली नहीं वाली तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर इस जेम से होता क्या है ओके तो विरिडियन सिटी ये मुझे पोशंस दिए ओके भाई थैंक यू सो मच ब्रो तूने मुझे पोशंस दिए और यहाँ पे पोकेमोन चूतिया से है गाइस कोई ढंग के पोकेमोन तो है ही नहीं यहाँ पर ज़िगज़ागून भरे पड़े हैं यमपड़ यमपड़ पता नहीं क्या नाम है सालों का और पीजी भरे पड़े हैं सारे यहाँ पर बस यही हाँ चूतियों की तरफ बस यही इनसे लड़ते रहो बस यार फ्रॉकी वगैरह तो यार कोई गार्डन में कोई मस्त पोकेमोन मिलना चाहिए ना यार आखिर बीटल उड़ना आसमान में बीटल दे दो भाई मुझे बीटल से याद आया कि अभी तक प्रोफेसर रोक ने मुझे पॉकेटैक्स नहीं दी और पॉकेट एक्स को कैसे देता है साले को पहले पार्सल पहुंचाना पड़ता तब जाके देगा हरा ही मुड्डा ओए इग्नोर ये क्या है यू कैन गो एनी फर्दर भाई लेजेंडरी पोकेमोन होगा यहाँ पर गारंटी है ना लेजेंडरी पोकेमोन होगा यहाँ पर भाई साहब एकदम मस्त ओए दुकान यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो गए भाई ऊपर से ओके तो हमारा आसान हो गया वहाँ पर जल्दी पार्सल दे भाई पहले टाउन से आया हूँ मैं अब हाँ ना भाई 10 बार दे रखा तूने पार्सल मेरे को चल निकल ओके हाँ ओ ये चेरी बेरी देता है मतलब बेरीज वाला बंदा है यहाँ पे तो एक मिनट थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे फालतू बकचोदी कर रहे हैं अभी और ये ओ टीम एक्वा टीम मैग्मा और सरीना खड़े भाई वहाँ पर भाई जल्दी से पॉकेट एक्स लेकर आऊँ पहले वहाँ से मैं फिर भाई आकर देखूँगा क्या सीन हो रहा था भाई वहाँ पर हाँ हाँ भाई जल्दी कर भाई जल्दी का मुझे मालूम है भाई मालूम है मेरे को सब मालूम है तक आगे साला हरामी के इसका पोता बहुत हरामी साला भाई जल्दी कर भाई मेरे ऊपर सरीना को बचाना भाई टीम एक्वा मैग्मा से अकेला लड़ रही है वो ओके 5 पोकेबॉल दे रहा है साले इतने सारे पोकेबॉल गेम के अंदर सिर्फ मेरे को तो 5 पोकेबॉल दे रहा है थोड़े पैसे भी देता था बुढ़ा ये ओके तो गाइस हम जल्दी से अभी सरीना के पास जा रहे हैं भाई मैं अकेले इतनी क्या रोंडे कर रही होगी अपने टाउन मैप ले लूँ पहले मैं हाँ भाई चलिए जल्दी दे दो दीदी टाउन मैप दे दो मैं सरीना को बचाने जाकर ओके ओके ये क्या है ऑटो रन हैज बीन इनेबल ऑटो रन डिसेबल ओके तो ये एल और आर बटन दबाने से क्या होता है ऑटो रन का ना सिस्टम जो है इनेबल और डिसेबल हो सकता है चलो ये भी सही है भाई बार बार बी डबन जो बी बटन होता है उसको दबा के रखना नहीं पड़ेगा हमें आसानी रहेगी चलो थैंक गॉड ओके अब हाँ मैं तो भूल के सरीना को बचाना भाई जल्दी से आकर अब तुम्हारी माँ के जल्दी निकलो ऐसा लो रेड डू यू नो दीज पीपल हाँ भाई मैं जानता हूँ टीम एक्वा मैग्मा है साले हराम के बच्चे ही है और रियली यू डोंट नो दे अबे बताता रहूँ मैं जानता हूँ साला व्हाट यू डोंट नो हस अबे भाई जानता हूँ मैं सालो भाई कानों में रुई डाल रखे क्या साले चूते सुनाई नहीं दे रहे क्या बोल रहा हूँ मैं भाई जानता हूँ कैन यू सी दैट दे आर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स दे डोंट अबे भाई चिल्ड्रन भाई तेरे ऐसी की तैसी भाई साहब हद हो गई भाई बच्चे पे नहीं की वी आर मेंबर्स ऑफ टीम एक्वा एंड टीम मैग्मा भाई मालूम है मेरे को ना यू नो हाउ वी आर मतलब ओके रेड आई थिंक दे आर बैड गाइस वाह जी वाह वाह सरीना मैडम वाह आपका नॉलेज तो कमाल का है टेक कंट्रोल ऑफ कैंटो वी गॉट टू डू समथिंग भाई कैंटो अबे सालो क्या कॉइन से कैंटो में आ गए तुम्हें कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी ऐसी की तैसी और टीम अप कर लो उन दोनों ने बताओ सही है यार ओके नो लेवल के हाँ यार शिट भाई की गेम बहुत हार्ड है बट कोई बात नहीं हमारे पास एम्बर अटैक और क्विक अटैक है पहले मैं एकेंस को निपटा दूँ भाई पूछे आना इतना खतरनाक नहीं लग रहा मेरे हिसाब से एकेंस साला
पॉइजन कर देगा रामी मेरे को, इसलिए मैं एम्बर करना पड़ेगा। साली फैनिकिन टेल वेप कर रही चूतिया की बच्ची, अबे मारना खा जाएगा तेरे को वो। ओ थैंक गॉड भाई फैनिकिन ने एम्बर अटैक कर दिया भाई, बहुत बढ़िया बच्ची मेरी भाई साहब। लेकिन मिनट वो तो मर दे भाई फैनिकिन, तो उसके अंदर मर दे लड़का है, बल्कि पूछे नहीं लड़की है। ओके हमने दो लड़कों ने मिलकर लड़की लड़की को मार डाला। ओके टीम एको मैग्मा कैसी तेजी करती है, विल टेल द रेस्ट ऑफ द टीम एको अबाउट दिस। अच्छा जी बताने जा निकल दफाओ, यू मस्ट नॉट लेट दिस पीपल टेक कंट्रोल ऑफ कैंट। अच्छा भाई चल तुम बच्चे तुम क्या खा लोगे, तुम पापा पाँच लेवल की नौ लेवल की फैनिकिन। ओ ओ ओ भाई साहब, ओ बहन किया गाइज गाइज बहन की छत, ओ लव यू सरीना बहन किया, तूने क्या मस्त आइटम दिया भाई मेरे को, क्या मस्त चीज दी। ओ ओ भाई क्या मस्त गेम है भाई साहब ये क्या। हाँ आर यू पॉकीमोन ट्रेनर, हाँ भाई इट सीम्स दैट यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर एडवेंचर, आई थिंक यू विल नीड सम मनी। हाँ भाई पैसे की जरूरत है किसी ने। ओ भाई साहब गाइस मैं क्या बोलूँ, मतलब एकदम स्पीचलेस भाई, हर कदम पे स्पीचलेस हो रहा हूँ भाई मैं इस गेम के अंदर भाई। एक तो इसमें टीम एक्वा मैग्मा, ऊपर से टीम लेजेंडरी पॉकीमोन अलग ही भाई, और ऊपर से भाई सरीना ने मेरे को जी मूव देकर गई है भाई, जी मूव वाली रिंग जो है ना वो देखे गई भाई साहब, जी मूव वाली रिंग जो मुझे आज तक किसी गेम के अंदर मिली ही नहीं भाई, और भी और जो कभी किसी गेम के अंदर होता ही नहीं भाई, कहीं हराम के बच्चे देता ही नहीं कोई, इवन गेम की जो मम्मी होती है ना वो मम्मी पापा वगैरह रिश्तेदार भाई कोई घंटा देता ही नहीं मेरे को, पता है क्या पैसा भाई मनी दी उसने मेरे को बंदे ने भाई, जेन्युइन बंदा एकदम स्ट्रेंजर भाई, मतलब कोई ऐसे कैसे दे देगा पैसा किसी को भाई, एकदम अपना बंदा है भाई साहब, इससे ज्यादा अपना बंदा ज़ायगार्ड वो जी व्हाट इज दिस पोकेमॉन भाई, ज़ायगार्ड है वो ठीक है भाई साहब। गाइस यार 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 इतना मस्त गेम भाई यार, शिट मैंने पहले क्यों नहीं खेला भाई ये गेम यार भाई, इतना बढ़िया गेम है यार कसम से, इसका तो ऊपर ही क्या भाई एंट्री टू डैन। अच्छा गुफाएं भाई गुफाएं, क्या कटोरा सा लग रहा था वो टूटा हुआ। अच्छा यहाँ पे ब्लू आएगा भाई, हाँ यार साले ये हमारी ब्लू फिल्म पक्का बनाएगा भाई, मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा, वैसे ही हमारी पक्का ब्लू फिल्म बनाने वाला है। बाय द वे डीडी पोकेमॉन कैटेगरी स्ट्रॉन्ग रहा भाई, ठीक ठाक हुए बस। ओके सारा रूकी डी 10 लेवल का, रूकी डी 10 लेवल का स्कोर बनी। ओके चलो लेवल्स तो इक्वल है भाई थैंक गॉड। ओके लेकिन वो हमारी वार्ड लगा रहे हैं, शिट यार फक फक कितना हरामी है भाई, एक को तो मार नहीं देते कम से कम 11 लेवल हो जाते मेरे। चल भाई कोई वाटर पल्स भाई, देख रहा वाटर पल्स 10 लेवल के सोवल के पास वाटर पल्स, सही है भाई सही है, इतना हार्ड भी। ओ एक मिनट व्हाट, मैं डायरेक्ट पोकेमॉन सेंटर में टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था ना मुझे, लेकिन उसने हराया और चला गया भाई, मुझे रीमैच करना है उससे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चीटिंग सी होती ना। हाँ यार बार बार एक ही बकचोदी करते रहते साले एक तो ये, चलो बट कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं भाई, कुछ नया है भाई इस गेम, कम से कम कुछ नया तो दिखा मुझे भाई, कुछ नया तो नहीं दिखा हमें कम से कम इस गेम के अंदर। एक मिनट उससे मैं हार गया और डायरेक्ट पोकेमॉन सेंटर टेलीपोर्ट हो गया भाई, बस चलो ठीक है मुझे गेम पसंद आया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं होता है। वेल मैं यार रूकीडी ढूंढ रहा था, मैं सोच रहा रूकीडी पकड़ू कि नहीं, रूकीडी पकड़ लेता हूँ, ब्लू के पास भी तो था वो रूकीडी ना, मैंने यार उसको मुझे शायद अच्छे से याद दिया उसका नाम, या फिर छोड़ो यार नहीं पकड़ता, या फिर पकड़ लेता हूँ, या छोड़ो मैं नहीं पकड़ रहा यार दफा करो, किसी और टाइम पकड़ लूँगा मैं यार। गेम ये ऐसा है ना, मतलब मन करा बस एक्सप्लोर करते जाओ करते जाओ, मेरे बस ले तो भाई आज पूरी रात तक गेम ही खत्म कर दूँ मैं, लेकिन मैं वीडियो भी बनानी है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा पोकेमॉन येलो के अंदर ही बुड्ढा है ना, रेडेटा पकड़ता है यहीं पर ही पाँच लेवल का, लेकिन पकड़ में आता नहीं है, तो पता है चले जाता है इस जगह से और फिर पोकेबॉल्स खरीदने चले जाता है, इसने हमें टीवी दे दिया। लेकिन इस गेम के अंदर ये मतलब फायर रेड पोकेमॉन में जब ये अपडेट हुआ, पोकेमॉन फायर रेड आया, तब यहाँ पे वीडल पकड़ने लगे, और वीडल पकड़ने के बाद टीची टीवी देता हमें, सीखने वाला टीवी जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता। खैर हमने मरीब कैसी तैसी कर दी, मरीब को पकड़ो कि नहीं। ओ एक एबिलिटी कैप्स क्या भाई, कैप्सूल दैट अलाउज अ पोकेमॉन विद टू एबिलिटीज टू स्विच। ओ एबिलिटीज छोड़ो भाई, ऊपर देखो ऐश खड़ा हुआ है, चूटल भाई चूतड़ चूतड़ जैसा मैं इसके तो चूतड़ क्या छोड़ो यार, लेकिन भाई ऊपर ऐश कैचम खड़ा हुआ भाई। गाइज मैं अपने पोकेमॉन हील करने जा रहा हूं, अच्छा शर्त लगा लो ये बेटी चोद मुझसे लड़ने वाले गाइज, ओके यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो गाइज उसने उसकी ऐश ने उसकी वाट लगा दी और उससे बोल रहा है कि अगली बार तो अच्छा करना। डी यू जस्ट स्टार्ट योर एडवेंचर टुडे, हाँ भाई आज ही करा, इट्स अ ग्रेट टू मीट न्यू ट्रेनर्स एवरीडे। हाँ भाई मैं तो तू एवरीडे, मैं तो आज ही तीन ट्रेनर से मिल गया भाई,
आई एम ऑल्सो पोकेमॉन ट्रेनर एंड माय नेम इज ऐश। भाई मालूम है तू अभी गेलार रीजन में पोकेमॉन मास्टर रेड टूर्नामेंट में ऐश वर्सेस लियोन के चर्चे भाई हर जगह है भाई, तू फेमस है भाई। इट्स एन ऑनर टू मीट ए ट्रेनर फ्रॉम माय टाउन। हाँ भाई हाँ डीडी प्रोफेसर हो गिव यू। हाँ भाई दिया ओके क्विक बैटल ओके। ये सीरो रीजन का ऐश कैसा है? लेकिन रायलू एक मिनट गाइस, इसके पास रायलू है, सीनो रीजन के कपड़े पहन रखे हैं और रायलू है इसके पास। बढ़िया है गाइस, बहुत बढ़िया है मुन्ना, बहुत बढ़िया। ये क्या खाया इसने? ऑरेंज बेरी खाया इसने? ओबे गाइस, भाई भाई लोग, गाइस लोग व्हाट द हेक, ये क्या हो गया? उसके रायलू ने हमें कुत्ते की तरह मारा भाई, कुत्ते की मौत मारा भाई। मैं तो ही ट्रेनिंग करके आता हूँ। ओके गाइज, मैंने ट्रेनिंग अपनी अच्छे खासी कर ली है, मैंने अपने स्कोर बनी के 11 लेवल थे ना, मैंने उसके 14 लेवल कर लिए भाई। इस बार अगर मैं नहीं जीता तो मुझे नई न्यू पोकेमॉन्स पकड़ने पड़ जाएंगे भाई, न्यू वाले नए पोकेमॉन पकड़ने पड़ जाएंगे भाई। प्लीज़ स्कोर बनी एक को तो मार कम से कम। ओके डबल किक मार भाई, डबल किक बहुत मस्त अटैक है यार। फक यार इतनी ज़्यादा स्प्रे क्यों लेके नहीं गया? उसका क्विक अटैक देख लो, मेरे क्विक अटैक भाई देख रहे हो? ऊपर लो के पढ़ लो क्या यार, फक यार फक भाई साहब, शिट फक। गाइस हमारी वार्ड लग गई भाई, अब तो मुझे न्यू पोकेमॉन भाई पकड़ना ही पड़ जाएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे कौन सा पोकेमॉन रखना चाहिए भाई अपने पास। उसके पास रायलू है भाई, रायलू के खिलाफ कौन सा पोकेमॉन अच्छा रहता है? कौन सा पोकेमॉन पकड़ूं भाई? A few moments later. इस देखो मेरे को लॉटेड मिला है भाई साहब, ये मुझे ब्रॉक से लड़ने भी मदद करेगा और शायद ऐश से भी जितवा दे मुझे। ये मुझे पूरे एक ही ने गाइस, प्लीज़ काश मैं जीत जाऊँ भाई, बस इससे जीत जाऊँ मुझे बस। ऐश भाई ये है ना मेरी कामयाबी के आगे खड़ा हुआ है भाई, इसको हराना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। ओके मुझे लॉटेड आ गया, उसको मैं ट्रेन करता हूँ, फिर ऐश की वार्ड लगाऊंगा। भाई मेरे को रूकी डी भी मिल गया भाई, रूकी डी भाई इसको रखूंगा, पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। व्हाट द फक, वो तो मर गया भाई, इस बार मरने दूंगा। प्लीज ब्रो इस बार आजा, प्लीज प्लीज प्लीज। यस 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 भाई आ गया भाई, आ गया भाई, एक बॉल मांगे भाई, एक बॉल मांगे गाइस, एक बॉल मांगे। अभी मुझे इसको भी ट्रेन करना है भाई, अपने लॉटेड को भी ट्रेन करना है इसको भी। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस मिलते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के बाद, और गाइस उसके बाद मेरे दोनों पोकेमॉन्स मिलकर ऐश की ऐसी तैसी करेंगे, ठीक है ना? तो भाई सबसे पहले तो पोकेमॉन अपने हील कर कराता हूँ गाइस, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के बाद। भाई मेरे लॉटेड इतनी जल्दी इवॉल्व हो गया भाई, मुझे इतना सा भी आइडिया नहीं था, मुझे इतना सा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैंने कि मेरा लॉटेड इवॉल्व होगा, लेकिन ये हुआ, ये इवॉल्व हुआ भाई साहब। अभी और ट्रेनिंग कर लेता हूँ भाई मैं जल्दी से। A few moments later. Okay guys यार भाई साहब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अपने पोकेमॉन्स भी मेरे हील हो गए हैं, और अब मैं जा रहा हूँ गाइज ऐश कैचम की ऐसी तैसी करने के लिए। एक मिनट, ये ऐश का भाई मुझे लग रहा है टाइम लूप में फंसा हुआ है क्या भाई? वो उस बंदे की कितनी बार बेइज्जती कर चुका है, बार बार बोल बोल कर कि यू कैन डू बेटर, यू कैन डू बेटर, मतलब कुछ भी भाई बेचारा। कोई बात नहीं ब्रो, तेरा बदला मैं लूंगा। अच्छा ओके कोई बात नहीं ब्रो, मैं अगली बार आई कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम ओके। भाई इतनी बेइज्जती तो मेरी पोकेमॉन बैटल रेड के गेम में भी नहीं हुई थी भाई, इतनी ज़्यादा बेइज्जती तो ऐश ने मेरी यहाँ पे कर दी है। ओ ओ भाई गाइस भाई भाई भाई, ओ मैं जीत गया भाई। यकीन मानना मैं इस ऐश के बच्चे से 15-20 बैटल लगातार हार रहा हूँ, और मैं पता है सिर्फ और सिर्फ पोशंस के वजह से जीता हूँ भाई। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा भाई। भाई वीडियो का मुझे लग रहा है एंड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है इसकी वजह से। वेल गाइस अगर वीडियो पसंद है आप लोगों को, इस वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, आप लोगों की मर्जी है। और भाई बाकी वीडियो कैसे लगे भाई कमेंट करके जरूर बताना भाई, क्योंकि भाई मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है। वैसे मैं वीडियो का एंड है ना प्यूटर सिटी में करता मैं, लेकिन मुझे यहीं पर एंड करना पड़ रहा है क्योंकि भाई बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और ऐश कमबख्त कुत्ते के बच्चे की वजह से भाई हमारे इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय।